न्यूज से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें बुंदेलखंड न्यूज चैनल और साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। लोकसभा चुनाव की नजदीकियों को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में बीती रात शहर कोतवाल ने पुलिस बल लेकर होटल व लॉज में चेकिंग अभियान चलाया। इसी दौरान शहर के एक लॉज के कमरे से 7.25 लाख रुपए से भरा एक बैग मिला, जिस पर पुलिस ने कमरे में मौजूद 3 अभियुक्तों को हिरासत में लिया है व रुपयों की पूछताछ की। दस्तावेज न दिखा पाने से पुलिस ने सभी नोटों को सील कर दिया है व रुपयों की सही जानकारी के लिए 3 लोगों से पूछताछ की जा रही है। आगामी चुनाव को लेकर SP गणेश साहा ने कोतवाली पुलिस को शहर के सभी होटल व लॉज में छापेमारी करने के निर्देश दिए थे, जिसमें बीती रात कोतवाली प्रभारी अखिलेश मिश्रा व अलीगंज चौकी इंचार्ज मयंक चंदेल ने हमराहियों के साथ अन्य होटलों के साथ पीली कोठी स्थित तुलसी लॉज में चेकिंग की, जहां रूम नंबर 107 से पुलिस ने बैग में भरे 7,70,000 रुपए बरामद किए। मौके से 3 अभियुक्तों को ही पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया है, जिनके नाम अली मोहम्मद, साहब खान व मिथिलेश कुमार गौड़ हैं। इस बारे में CO सिटी राजीव प्रताप सिंह ने बताया कि पूछताछ करने पर तीनों आरोपित कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके। तीनों को आदर्श आचार संहिता की गाइडलाइन का उल्लंघन करने में पकड़ा गया है। बरामद नोटों व पकड़े गए लोगों के बारे में पुलिस और प्रशासनिक टीम संयुक्त रूप से जांच कर रही है। ID के नाम पर सिर्फ एक आधार कार्ड मौके से मिला है, इसके अलावा कोई अन्य दस्तावेज तीनों आरोपित नहीं दिखा पाए हैं। पुलिस ने इसी तरह 2 दिन पहले भी कालूका मोहल्ले में चेकिंग के दौरान 5 लाख से ज्यादा रुपए बाइक सवार के पास से बरामद किए थे। अवैध नोटों की धरपकड़ तेजी से चल रही है। कल रात होटल की चेकिंग की जा रही थी और इस होटल की चेकिंग में एक होटल से, एक निजी होटल में कुछ व्यक्ति, 3 व्यक्ति रुके हुए थे, जिनके पास से 7,70,000 रुपये बरामद हुए हैं। और इसको उन्होंने ये नहीं बता पाए कि किस तरह से इसको वो कमाए हैं या उनके पास है। इसका विवरण नहीं देने के कारण इस संपत्ति को जब्त कर लिया गया है और जिलाधिकारी महोदय को रिपोर्ट दे दी गई है। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन की जांच की जा रही है, अगर मामला सही पाया जाएगा तो कार्रवाई की जाएगी। पकड़े गए युवक बांदा के हैं या बाहर के कहीं के रहने वाले? ये बाहर के रहने वाले हैं, ये मुंबई और हरियाणा के रहने वाले हैं।